इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इज़राइल हमास जंग से जुड़ी हुई 6 बड़े आतंकवादी हमास के वो ढेर करने में इज़राइल को कामयाबी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मारे गए 6 आतंकवादियों की तस्वीर भी अब IDF की तरफ से जारी की गई है। इजरायली सेना ने ये आतंकवादियों की तस्वीर है जो जारी की है। हमास के बड़े कमांडर थे, मारे गए हैं सभी 6 आतंकवादी। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो वॉर जोन। हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं आशीष सिंह से, आज ये युद्ध अब 10वें दिन में दाखिल हो चुका है, ऐसे में अब यहां से आगे इजरायल की क्या तैयारी लग रही है ग्राउंड ऑपरेशंस को लेकर खासतौर से? आशीष, माना इसराइल की तरफ से जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो लगभग, दर्शकों को बता दूं कि 4 से 5 दिन पहले ही ऑलमोस्ट पूरा हो चुका था और 3 दिन पहले वो एकदम पीक पर था। यानी कि जो भी कुछ उन्हें साजो सामान चाहिए, अगर कुछ विदेश से भी कोई सामान मंगाना है, मिसाइलें या फिर कुछ और पार्ट्स, बाकी सब चीज़ें यहाँ पर 3 दिन पहले पूरी तरह से तैयारी और तैनाती यहाँ पर कर ली गई थी। लेकिन अभी जैसा कि हम दर्शकों को बता रहे हैं कि जरा जो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें कूच करने से पहले, गाज़ा में जाने से पहले उन्हें ध्यान देना होगा, और वही चीज़ें हैं जो इस पूरे ग्राउंड ऑपरेशन को डिले कर रही है। 2-3 क्विक पॉइंट्स बताना चाहूँगा दर्शकों को। देखिए, जिस तरह से US प्रेसिडेंट जो बाइडेन पिछले 24 घंटों में ट्वीट कर रहे हैं, ये साफ साफ इशारा कर रहा है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि इसराइल इतनी बड़ी तादाद में इन्वेजन करे कि पूरे के पूरे गाज़ा पट्टी पर टेक ओवर कर ले। वो किसी तरह का पार्शल इन्वेजन या फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स की फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ाने की तरफ इशारा करती हैं। दूसरी बात, जो बंधक हैं उनके उनको लेकर भी परिवारों की तरफ से यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर सरकार पर बना हुआ है, क्योंकि उसमें न केवल इजरायली बल्कि अमेरिकी बंधक भी हैं, 20 से ज़्यादा तो व्हाइट हाउस ने खुद ने कंफर्म कर दिया। उसके अलावा जर्मनी और बाकी देशों के भी कुछ बंधक है, जिसमें टोटल नंबर 125 से 150 तक है। और इसीलिए जो कोशिश की जा रही है इजरायली डिफेंस फोर्सेज द्वारा कि बंधकों को अगर किसी तरह से एटलीस्ट लार्ज नंबर बंधकों को अगर छुड़ा भी लिया जाए तब उसके आगे की कार्रवाई करना उनके लिए आसान होगा। यही वजह है, एक तो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल इंटरनेशनल लेवल पर जो एक प्रेशर आ रहा है इसराइल पर, दूसरा बंदूकों वाली सिचुएशन, और तीसरा कि आगे जब ये कूच करेंगे तो हमास भी पूरी तरह से तैयार और तैनात बैठा है। ये सब कुछ जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं ये हमास भी देख रहा है, जाहिर सी बात है। और इसीलिए हमास, चाहे वो एंटी टैंक मिसाइल्स हो, एंटी टैंक माइंस हो या फिर बाकी ऑर्डिनरी माइंस हो, ये सब कुछ के साथ में वो भी तैयार होगा, जिसकी तस्वीरें भी हमने दर्शकों को इस बुलेटिन की शुरुआत में बताई कि 7 अक्टूबर को किस तरह से वहाँ पर भी तैयारी और तैनाती काफ़ी थी। 7 अक्टूबर को चंद घंटों में ही हमास को पता चल गया था कि जिस लेवल का अटैक उन्होंने इसराइल पर कर दिया है, इसराइल का रिटेलिएशन भी उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो इन सभी की तैयारियों को लेकर हमास भी पिछले 10 दिनों से तैयारी पूरी कर रहा है, और इसी वजह से इसराइली फोर्सेस को ग्राउंड लेवल पर ऑपरेशन करने के लिए भी काफ़ी कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि टैंक्स के नंबर्स ज़्यादा हैं, आर्टिलरी गन्स के अलावा जो इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स हैं, सैनिकों की संख्या। आप जो बात कह रहे हैं ना, देखिए, हमास ये जानता है, हमास आतंकवादी संगठन ये जानता है कि इससे पहले भी जब जब उसने इसराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो फिर इसराइल छोड़ता नहीं है। अगर हमास की तरफ से एक इसराइली नागरिक मारा जाता है तो फिर आंकड़ा यह बताता है कि उसके बदले में इसराइल की तरफ से 20 जो आतंकवादी हैं उनका सफाया किया जाता है। इसीलिए अभी ग्राउंड ऑपरेशंस को लेकर जो पिछले कई दिन से आप सुन रहे हैं कि किसी भी पल वो शुरू हो सकते हैं, पूरी तरीके से मामला आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ABP News, आपको रखे आगे।